May I now request the Chief Guest, the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, for her convocation address, please. कश्मीर यूनिवर्सिटी के इस कन्वोकेशन में उपस्थित जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान जी, फैकल्टी मेंबर्स एंड स्टाफ, गार्डियंस एंड डियर स्टूडेंट्स, देवियों और स्वजनों, ही मौज कशीर, आज उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी स्टूडेंट को मैं बधाई देती हूँ। मेडल विनर्स की मैं खास तौर पे तारीफ करती हूँ। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं बहुत ही सी यूनिवर्सिटीज में कन्वोकेशन तथा अन्य अनेक समारोह में गई हूँ। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि इतनी खूबसूरत कैंपसेस में तालीम हासिल करने का और तालीम देने का मौका मिलना खुशकिस्मत की बात है। कश्मीर यूनिवर्सिटी पर हजरत बल की रहमत हमेशा बनी रहती है और बनी रहेगी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने देश की सेवा करते हुए इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। ऐसे मशहूर विद्यार्थियों की लंबी लिस्ट है और सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है। हाल के दौर में श्री गुलाम नबी आजाद जी को पद्म भूषण तथा प्रोफेसर चमनलाल सप्रू जी और प्रोफेसर के एन पंडिता जी को पद्मश्री से नवाजा गया है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी के 3 एनएसएस वॉलेंटियर स्टूडेंट्स ने 2023 के रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया था। उन तीनों स्टूडेंट्स की मैं तारीफ करती हूँ। उनमें से एक स्टूडेंट किफायतुल्ला मलिक को मैंने 29 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में एनएसएस अवार्ड प्रदान किया है। समाज सेवा के जरिए लोगों की मदद करने वाले ऐसे नौजवानों की जिंदगी भी तारीफ की जानी चाहिए, जितने भी तारीफ किया जाए कम है। कश्मीर के जमींदार नवाजने पर पूरा देश का गर्व है। मैं चाहूँगी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी के यंग स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ सोशल सर्विस में बढ़ चढ़ कर भागीदारी करें। ऐसा करके आप सब स्टूडेंट्स सामाजिक बदलाव लाने में कामयाब होंगे और देश के सामने मिसाल पेश करेंगे। मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी की ब्रेन गेन की पहल ने प्रभावित किया है। मुझे बताया गया है कि विदेशों में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे साइंटिस्ट को कश्मीर यूनिवर्सिटी में रामानुज फेलोज, रामालिंगा स्वामी फेलोज और इंस्पायर फैकल्टी फेलोज के रूप में चुना गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर या साइंटिस्ट के बराबरी के आहतों पर काम करने के मौके दिए गए हैं। ऐसे 11 फेलोज जहां काम कर रहे हैं। चंद्रयान मिशन के जरिए हाई साइंस एट लो कॉस्ट की शानदार मिसाल पेश करने वाले हमारे देश में साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छा काम करने के अवसर बढ़ते रहेंगे। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में गर्ल स्टूडेंट की संख्या 55% है। गोल्ड मेडल्स और प्राइज जीतने वाले की कुल संख्या में लगभग 65% लड़कियां हैं। मैंने ध्यान दिया कि आज 21 टॉपर्स स्टेज पर आए, उनमें लड़कियों की संख्या 17 है, जो कि 2/3 से अधिक है। मैं यहाँ बैठे सभी बेटियों की
दिल से मुबारक देती हूँ, उन्हें दुहाई देती हूँ। ये होनहार बेटियाँ हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियाँ अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वीमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कलहन की राज तरंगिणी में खास अहमियत पाने वाली जसवती, अमृत प्रभा और सुगंधा देवी जैसी असाधारण महिलाओं के इस क्षेत्र की बेटियां वुमेन लीड डेवलपमेंट को बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जिस तरह भारत ने G20 की लीडरशिप दी है, उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में G20 से जुड़ा U20 कंसल्टेशन हुआ। इस Y20 कंसल्टेशन में बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रीन एनर्जी और वाटर रिसोर्सेस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और सस्टेनेबिलिटी के रास्ते सुझाए गए। नौजवानों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ने के उस प्रोग्राम के लिए यूनिवर्सिटी की टीम की मैं तारीफ करती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबक कश्मीर की विरासत का हिस्सा है। यहाँ की एक कहावत है, ओन पोसितेली येली बन पोसी, यानी तभी तक अन्न रहेगा जब तक बन रहेंगे। कुदरत की सौगातों को बचा कर रखने की ये सीख अनमोल है। कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती से रखी है। फारसी शायर में ठीक ही कहा गया है कि अगर जमीन पर फिरदौस कहीं है तो यही है, यही है, यही है। धरती की इस जन्नत को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है और नौजवान की पीढ़ी को खास तौर से ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हिमालयन इकोसिस्टम को बचाकर रखने में कश्मीर यूनिवर्सिटी की टीम को भी सजग रहना होगा। मुझे बताया गया है कि ग्लासियोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तथा हिमालयन आइस कोर लेबोरेटरी से जुड़े काम यहाँ अलग अलग स्टेज पर है। मुझे यकीन है कि ऐसे सभी क्षेत्रों में आप सब तेज रफ्तार से काम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी के एम्ब्लेम में मोटो भी लिखा हुआ है। उसमें एक तरफ उपनिषद के 3 शब्द है और दूसरी तरफ कुरान शरीफ की आयत का एक हिस्सा है। उन दोनों का मतलब एक ही है, हम अहंकार से प्रकाश की ओर चले, जुल्मात या अंधेरों से नूर या रोशनी की ओर चले। इन अमर संदेशों में सबक भी है और दुआ भी, शिक्षा भी है और प्रार्थना भी। तालीम की रोशनी की ओर, अमन चैन के उजाले की ओर हमारे नौजवान जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही आगे हमारा देश बढ़ेगा। जिस समाज और देश के नौजवान डेवलपमेंट और डिसिप्लिन का रास्ता पकड़ते हैं, वो समाज तथा देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जोर दिया गया है। हमारे नौजवानों को इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में अच्छी जानकारी दी जाए तो उन्हें एक से बढ़कर एक प्रेरक उदाहरण मिलेंगे। आज से लगभग 1200 साल पहले श्रीनगर शहर को झेलम नदी की बाढ़ और तबाही से बचाने के लिए सुया नाम के एक्सपर्ट ने जो काम किया है उसे आज की भाषा में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं। उन्होंने झेलम नदी, जिसे तब
वितोष्टा कहा जाता था के बाहों को कई जगह पर मोड़ दिया था। तत्कालीन साहित्य में उल्लेख मिलता है कि नदियों की सुया वैसे ही चलाते हैं नदियों को, ऐसे जैसे कि सपेरा सांप को नचाता है। आप जो झेलम के बाहों को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही दिखाई देती है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के ऐसे प्राचीन उदाहरण पूरे देश में पाए जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में हमारा देश के पास अनमोल खजाना है जो इस देश की मिट्टी में फले फूले हैं। ऐसे ऑर्गेनिकली ग्रोन नॉलेज सिस्टम को आज के हालत में फिर से इस्तेमाल करने के तरीका खोजना एकेडमिक वर्ल्ड की जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर सभी स्टूडेंट को मुबारकबाद देती हूँ और मेडल विनर्स को शाबाशी देती हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट खूब तरक्की करें और ऐसे नेक काम करें जिससे आपके परिवार, यूनिवर्सिटी और देश का नाम रोशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।